अभी कुछ टाइम के लिए मैं तुझे भेज रही हूँ बेटा, लेकिन बहुत जल्द तू मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर बस तू और मैं, तीसरा कोई नहीं, और हम बहुत गेम्स खेलेंगे। तेरे पापा को भी बचपन में गेम्स का बहुत शौक था, पर बहुत जल्द वो एक गेम से बोर हो जाता था। He would say, "Mom, invent a new game, please." ये भी एक नई गेम है बेटा। Try to understand. मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हुआ प्रियंका। इसे कभी ये मत बताना कि ये इस खानदान का वारिस है। घबराइए मत, ये आपसे कुछ मांगने नहीं आएगा। देने से मैं नहीं घबराती, लेकिन अगर छीनने की कोशिश करेगा तो मुझे इससे भी नफरत हो जाएगी। और नफरत करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। देखो प्रियंका, रिश्ता होता है तो दर्द भी होता है, जब रिश्ता ही नहीं तो दर्द भी नहीं। तो आप चाहती हैं कि जब ये मुझसे अपने बाप के बारे में पूछे तो मैं झूठ बोल दूं? हाँ ठीक है, मैं इसे नहीं बताऊंगी कि राहुल किस खानदान से था। ये लो। ये क्या है? सैलरी, मेरे कंपेनियन बनने की। मैं आपको एक सलाह देती हूँ मॉम जी, बोरियत दूर करने के लिए कोई और तरीका ढूंढिए। यूं लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर पछताएंगी। यू विल रियलाइज यू हैव डन रॉन्ग। तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी ना तुम्हारी कंपेनियन बनने। दैट्स लाइफ, वरना क्या, खाए पिए सो गए, ये भी कोई जिंदगी है? एनीवे नाउ यू गो एंजॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट। Go. क्या हुआ? I tried. I really tried, Mom जी. लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। खुशी से आपको बोरियत होती है। तुम क्या जाते वक्त सेंटिमेंटल हो रही हो? आप नहीं समझेंगी, पति, पति का घर, ये सब आपके लिए माने नहीं रखता। आहा, और तुम्हारे लिए रखता है, इसीलिए एक घंटे से वो इंतजार कर रहा है सड़क के उस पार एक विधवा का। गो प्रिया गो, राहुल तुम्हारे लिए क्या था मैं खूब जानती हूँ। क्या हुआ, डर लग रहा है बाहर जाते हुए? Don't be scared. इसमें कोई चाल नहीं है, कोई गुंडे नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें आजाद कर रही हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं मॉम जी। बहुत पहले आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं भी कम नहीं, लेकिन मैं गलत साबित हुई। शायद भगवान ने आप जैसी औरत सिर्फ एक बनाई है। मैं अपने पति से जुदा होकर, अपने बेटे से अलग होकर, अपनी बेटी से अलग होकर, अपने पोते से बिछड़ कर यूं नहीं बैठ सकती। आप सचमुच बहुत स्ट्रांग हैं। तुमसे नफरत करेगा प्रिया, इसीलिए तुम्हें यह आजादी दी जा रही है ताकि तुम्हें खुशी मिले और मैं उसे छीन लूं। तुम्हारे सिद्धार्थ को आजाद किया, वो तुम्हारे थे, तुम्हारे ही रहेंगे।
तुम्हारे लिए। मंगला, किस लिए आई हो यहाँ पे? क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? तो ये देने आए थे आपको, लोग हम अनुष्का को नहीं। मंदिरा वो सिद्धार्थ, आप हमारा कभी यकीन नहीं कर पाओगे। हम अपना मंगलसूत्र अनुष्का को देने आए थे, हमारे काम का तो रहा नहीं। तुम दाने कस रही हो? नहीं, अब इन सबसे क्या फायदा? ताने, मान, अभिमान, दुख, गुस्से का रिश्ता खत्म हो चुका है सिद्धार्थ। हमने कहा ना आपसे, हमने आपको आजाद किया। बताया नहीं कि तुम ये डब्बा आपका घर में रह गया था मिठाई का, तो देने चला आया मैं। अच्छा, मिठाई का डब्बा देने चले आया? हाँ, भाभी ने कहा अब आपके नाम का खरीदा था, घर में रह गया। मैंने कहा क्या जरूरत है, हो गया तो हो गया, पर मानती तो है नहीं वो। तो सबसे छोटा हूँ घर में, तो मुझे पे हुक्म चलाते हैं। दौड़ा दिया डब्बा लेके। चलो, इसी बहाने मुलाकात हो गई। हेलो, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। बैठे ना। हम लोग अकेले में कहीं बात कर सकते हैं रिया? हाँ, क्यों नहीं, आइए। कम आइए ना। मामा, हम ऊपर बैठकर बातें कर रहे हैं, आइए। अरे भाई, कल को शादी हो रही है, आपस में बातें नहीं करेंगे थोड़ा? भूल जाओ, सब भूल जाओ मंदिरा। आपको क्या लगता है, हम भूलना नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते आराम से जिंदगी बसर करना? हमें मालूम है सब खत्म हो चुका है, अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे, और ये अच्छा है। फिर क्यों नहीं चाहेंगे हम आराम से जीना? लेकिन नहीं, अब भी हम उन गलियों से गुजर नहीं पाते जिनसे हम साथ गुजरे थे। वो दुकानें, वो सड़कें, वो सिनेमा हॉल, क्या क्या बदले उस शहर का। क्यों ऐसा होता है, क्यों? उस पेन से तुम जब भी गुजरती होगी तो बद्दुआएं देती होगी? नहीं, सिर्फ खालीपन बस। लेकिन आप परेशान ना हो, वक्त सब भर देता है। लगता था 4 बज गए, अब 6 कैसे बजेंगे, लेकिन बज ही जाते हैं। दिन ऐसे तैसे करके गुजर ही जाता है, वक्त
किसी के लिए नहीं ठहरता, बस यही आसरा है। मंदिरा, अब शायद हम ना मिल पाए, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं सिद्धार्थ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। आप जब भी शादी करेंगे हम उसमें शरीक होना चाहेंगे। आपका परिवार यहाँ नहीं, आप ना सही, लेकिन पहले तो हम आपके परिवार वाले थे। हम आपकी शादी अपने हाथ से करेंगे, सारी रस्में पूरी करेंगे। You don't have to be so brave. इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सचमुच अच्छा लगेगा सिद्धार्थ, और हो सकता है ये करके हम हमेशा के लिए आपको अपने दिमाग से निकाल पाए। थैंक यू वेरी मच मंदिरा। रिया, रिया मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। टोटली फ्रैंकली मुझ में इतनी एनर्जी भी बची नहीं है। मैं कुछ परेशान हूँ तो कुछ एक बातें जानना चाहता हूँ। एश्ली के बारे में? तुम्हें भी लग रहा होगा कैसा शोविनिस्ट आदमी है। एक दोस्त आया मिलने के लिए, परेशान हो गया, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं बिलीव में ऐसा नहीं हूँ। या राधा, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा हूँ। अपने घर में अपने मर्दों का एटीट्यूड मुझे हमेशा गलत लगता था, लेकिन क्यों मैं खुद ऐसा हो गया। एश्ली प्रीस बनने वाला है। नहीं तो मुझे उससे कोई परेशानी भी नहीं है, और किसी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं कि मुझे बुरा लगे। मैं सिर्फ तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बस। इससे क्या होगा? I don't know, रिया। हो सकता है मेरी उलझन और बढ़ जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या बताओगी। हमारी जिंदगी, हम दोनों की जिंदगी जब से शुरू हुई है उसमें एश्ली कहाँ है? पता नहीं रिया, मैं बेचैन हूँ कुछ। I just want to know कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या था। एश्ली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, शायद इतना करीबी मेरा कोई और दोस्त है भी नहीं, ना एश से पहले ना ही एश के बाद। ऐसा दोस्त? एक ऐसा दोस्त जिसे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती थी, सब कुछ, जो किसी जज की कुर्सी पे बैठा नहीं था, जो आपको कभी भी किसी काम के लिए गिल्टी महसूस नहीं कराता था, जो जिंदगी जीने में विश्वास रखता था, अफसोस में नहीं। उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। He stood by me in my bad times. उसके कंपैरिजन में तो मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं। मतलब एक मैं प्यार करता हूं तुमसे, और वो दोस्त था तुम्हारा। वो भी मुझसे प्यार करता है। Right.
यू लव एशली? हाँ, पहले मुझे लगता था कि एशली सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तब तक उसने प्रीस बनने का फैसला कर लिया था, और अब? अब एशली मेरा एक हिस्सा है, हिस्सा बन चुका है। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं उसे अब तक भूल नहीं सकी और शायद भूल नहीं पाऊंगी। मैं उसे भूलना भी नहीं चाहती हूँ। एशली तुम्हारी अब जिंदगी का हिस्सा नहीं है, दुख तो होता होगा ना? दुख नहीं, एक खालीपन है। मैं आपसे एक वादा जरूर कर सकती हूँ, मैं आपसे कभी भी अनफेथफुल नहीं रहूंगी। मेरी वजह से आपको कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग। रोया बिल्कुल नहीं, लेकिन पॉटी जरूर की। फिर क्या, मैंने इसे साफ कर लिया। तुमने? अरे भाई, तो फिर क्या करता, इसे गंदे पॉटी में बैठे रहने देता? मुझे जगा दिया होता। कोशिश जरूर की, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मूड नहीं हुआ। लीजिए मैडम, सिर्फ आपके लिए चाय। वाओ, दिस इज लग्जरी। यू नो समथिंग, वुमेन आर मेंट टू बी पैम्पर्ड, एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर पैम्पर्ड, दे ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स। पर मर्द जात ऐसी जात है जिसको पैम्पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मर्दों को पैम्पर करते हैं तो पता है क्या होता है, आलसी बन जाते हैं। समझते हैं ये तो हमारा हक है, बट विमेन जस्ट लव इट एंड दे ऑलवेज पे समथिंग बैक इन रिटर्न। चाय तो अच्छी बनाते हो तुम। राहुल तुम्हें चाय नहीं पिलाता था? राहुल को तो ये भी नहीं पता था कि चाय प्रेशर कुकर में बनती है या किसी और बर्तन में। रियली? उसका पैम्पर करने का तरीका कुछ और था। फ्लावर्स, wine, dinner. How romantic. Sudden presence and all that jazz. लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस curiosity. Will you take care of my child, Kabir? क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ, एक साल तक सोना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ उस एक साल में मॉम जी हमें भूल जाए, प्रियम से तुम्हारी दोस्ती हो जाए, और तुम्हें कोई अच्छा सा केस मिले, मेरे केस की तरह नहीं जो विड्रॉ हो गया। प्लीज प्रिया, सो जाओ, और इस दरमियान अगर कुछ ना भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपकी नींद तो पूरी होगी। और एक और चीज है मैडम, इतने बड़े ख्याल नहीं रखने चाहिए, छोटे छोटे ख्याल रखो जो अचीव भी हो पाए। चलिए आप सोइए और प्रियम और मैं आपके लिए डिनर तैयार करते हैं। कबीर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कम ऑन, माय प्लेजर। पर तुम तो जानती, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। Oh my God!